एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए कर्मा के जरिए आपकी लव लाइफ सितंबर महीने की कैसी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। जिस मैं वहाँ फ्री सेशंस और लाइव सेशंस लेने वाली हूँ। ओके, तो देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कप टावर, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल। ओके, कर्मा के जरिए एक्वेरियस लॉर्ड स्नेक व्हाइट विच माउंटेन्स प्रोटेक्शन गार्डियन, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाटर गार्डियन। ओके, तो यहाँ कर्मा के मुताबिक मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहे हैं। ओके, जिसके चलते आप भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी हाल फिलहाल तो कैरियर इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इस वजह से किसी भी तरह कोई भी एक्शन लेने के मोड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका प्यार आपको लेकर है या नहीं तो बहुत ज़्यादा है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों का प्यार बहुत साल हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ आपने बहुत अच्छा वक्त बिताया है, तो आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बहुत साल बातचीत की है, फिर भी एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग या तालमेल नहीं बिठा पाए हैं, तो इसको लेकर आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर एक पूरी तरीके से अप एंड डाउन से, तो आपके लिए उनकी एनर्जी अप एंड डाउन होती रहती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। आपने उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया हो तो, और आपने पूरी तरीके से उनके साथ अच्छे तरीके से वक्त बिताया है, आपने उनको समझा है, उन्होंने आपको समझा है, तो फिर वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। ये आप एक डिफरेंस समझ गए होंगे। ओके, अभी हाल फिलहाल सितंबर महीने में तो वो किसी भी तरह एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी अब परेशानियाँ हैं, फैमिली को लेकर भी है, एक अपने कैरियर को लेकर भी है, और उनके मन में कैरियर को लेकर थोड़ा डर भी है, क्योंकि एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, इस वजह से थोड़े घबरा भी रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा लो हो गया है। ओके, कर्मा के मुताबिक यहाँ मैं यही कहूँगी कि किसी भी तरह सब दोस्त की किसी भी तरह कोई भी एक आपकी फैमिली में किसी को भी सब दोस्त हो तो वो देख लीजिए और दूर करने की कोशिश कीजिए। ओके, जिससे आपकी फैमिली में सभी की लाइफ स्मूथली चल सके। ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, अब स्मूथली चलने का मतलब यही है कि जितने भी ऑब्स्टिकल आ रहे हो वो सब दूर हो जाएंगे, इतना याद रखिए। कर्मा के मुताबिक आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव है, प्यार तो मैंने कहा बेशुमार करते हैं आपको, आपके पास जल्द से जल्द आना चाहते हैं, आपको लेकर डिसीज़न लेना चाहते हैं। अब मेरिट के लिए मैं कहना चाहती हूँ, आपके पर्सन की लाइफ में, खुद की लाइफ में भी इतना अच्छा अभी वक्त नहीं चल रहा है, इस वजह से वो अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं। ओके, और आप उनके साथ बातचीत करना चाहो तो उनके साथ बातचीत कर सकते हो सामने से, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ही टफ कंडीशन है। ओके, तो उनको समझने की कोशिश करो, और आपको लगता है कि अब इतनी ख़राब उनकी कंडीशन है फिर भी उनके अंदर एटीट्यूड है, घमंड है, तो फिर उनको खुद को ही खुद के हाल पर छोड़ दो, रहने दो,
और अपने तरीके से आपने कोशिश नहीं की है तो कोशिश कीजिए। यहाँ जो आ रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरिट के लिए यही है कि आपने अपने तरीके से कोशिश नहीं की है तो कोशिश कीजिए। अब सिंगल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कोई एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और उनकी लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, यानी कि उनकी लाइफ में जो भी उन्होंने सोचा है उस फील्ड में वो आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, तभी आप दोनों साथ में आओगे। मतलब ये इंसान सितंबर महीने में आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। ओके, और इमोशनल होंगे, बहुत सारी बातचीत करते होंगे और बहुत बोलते होंगे। ओके, अब सभी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी क्या है। कर्मा के मुताबिक आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है कोई बड़ी उम्र का पर्सन। ओके, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बार बार रुकावट डालता है, वो आपको भी पता है। ओके, और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और हुकुम चलाने वाला इंसान है, इतना याद रखो। और डर बहुत ज़्यादा है आपके सेकंड थर्ड पार्टी है। डर आपके पर्सन का भी डर और आपका भी डर, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं डर है, जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही। आपकी लाइफ में भी अभी टावर मोमेंट चल रहे हैं, उनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट चल रहे हैं। आपकी परिस्थितियाँ भी इतनी अच्छी नहीं है और उनकी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो 2022 में आप दोनों की शादी होगी या नहीं? नहीं, 2022 में शादी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 2023 के स्टार्टिंग में ही शादी होती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो कुछ लोग एक दूसरे से मिलेंगे आगे चलकर और 2023 में शादी होगी, यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अब मैं यहाँ यही कहूँगी, एक्वेरियस कुंभ राशि कर्मा के मुताबिक सितंबर महीना आपके लिए भी थोड़ा अप एंड डाउन्स भरा रहेगा और आपके पर्सन के लिए भी अप एंड डाउन्स भरा रहेगा, और वो भी अपनी लाइफ में ही फोकस करने वाले हैं और आप भी यहाँ अपनी लाइफ में ही फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, इमोशनल वाइज भी किसी भी तरह की एक जिम्मेदारियाँ है वो भी निभा रहे हो, कैरियर वाइज भी आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें भी बहुत मेहनत कर रहे हो। तो सितंबर महीने में आप भी बिज़ी रहने वाले हो, आपके पर्सन भी बिज़ी रहने वाले हैं और यहाँ कोई भी एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरा पर्सन मुझे ही प्यार करता है, इस वजह से यहाँ आपकी एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बिल्कुल भी अपने पर्सन की चिंता नहीं करते हो, आपको पता है कि मेरा पर्सन मुझे ही प्यार करता है। एक पूरी तरीके से 100% पॉजिटिव एनर्जी आपकी, 100% विश्वास आपका। दोनों की एनर्जी क्या है देखते हैं। एवोल्यूशन, फ्रीडम, टॉलरेंस, वही है। बॉटम टेक हमारे पास है डिसर्नमेंट। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी भी वही रहेगी कि वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन रोक लेते हैं खुद को, और आप भी अपनी लाइफ में ही ध्यान देने वाले हो तो आपके पर्सन आपको लेकर यही मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, उनको समझते हो और आप कॉन्फिडेंट हो, वो उनको पसंद है और आपकी एनर्जी उनको यही पसंद है कि आप बहुत ज़्यादा सहनशील हो, बहुत ही समझदार हो, मैच्योर हो और मुझे फ्रीडम भी देते हो और मुझे सभी तरीके से समझने की कोशिश भी करते हो। तो आपके पर्सन आपको लेकर इस तरह से ही मानते हैं और आप अपने पर्सन को लेकर यही मानते हो कि मेरे पर्सन जैसे भी है मुझे बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ ही आगे बढ़ना है चाहे कितना भी मुझे इंतज़ार करना पड़े। और अभी की एनर्जी की बात की जाए तो आप अपने पर्सन को लेकर पूरी तरीके से पॉजिटिव हो और उनको स्पेस भी देते हो, फ्रीडम भी देते हो और उनकी हर तरीके से ध्यान रखते हो, उनका बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो आप।
तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। ये है रीडिंग। डू लाइक सर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू। बाय।